प्लेयर को हरियरगी और हेलदेव रोग या पट्टी रहे मुंबई टाइगर रन टीम कना को कदा पश्चिम नखा को चला का और पूरब नखा को एक दो नील कलर या जर्सी दे को टीम को ले को नुकु दो कना को फलक नामा हैदराबाद तिही जान बाद दो सेकंड मैच बड़ा इच्छु बुना हैदराबाद टीम दो चलावेन बच इनका विजिल के साथ मैच को हम लोग देख पाएंगे। एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला की हम लोग उम्मीद करते हैं और जय हिंद क्लब बरहेट पेट का था साहबगंज इस संथाल परगना के इस बहुपरिचित टूर्नामेंट का जिस टूर्नामेंट का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और वही घड़ी वही समा इस समय आ चुका है और बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के शुभ मौके पर ये टूर्नामेंट जो आयोजित होती है और हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैच के रेफरी गया सुदन मंडल जी इंतजार करते हुए इस कमेंट्री बूथ में मेरे सहयोगी डेनिस राव वो भी तैयार हैं अंग्रेजी और बीच बीच में मैच का आपको देखा हाल और साथ ही साथ मैच में किस तरह से रणनीति रहेगी उसका विश्लेषण कर ले और खेल स्टार्ट हो चुका है किसका विश्लेषण के साथ एक बहुत ही तेज तर्रार मैच की हम लोग उम्मीद करते हैं। जिस तरह से शुरुआती समय से ही दोनों टीम आक्रामक माइंडसेट के साथ खेलते हुए और उम्मीद करेंगे कि इस मैच में गोलों की बारिश देखने को मिले। हैदराबाद की तरफ से गोलकीपर रमेश और जबकि फुल बैक में खेलते हुए मूसा बहुत ही नामी ग्रामीण खिलाड़ियों में से माने जाते हैं। इस मैच में टेक्निक सस्पेंस और अटैकिंग माइंडसेट देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर पास वहां पर चीजों का जो कि जस के नंबर 17 में खेलते हैं विदेशी मूल के खिलाड़ी बॉल जिस तरह से दोनों टीम बॉल को अपने पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ये मैच आने वाले समय में और रोमांच पैदा कर देगा। अब तो बस जस्ट शुरुआत ही हुआ है और लगभग एक मिनट ही बीता है अभी धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती है भी आगे वाले दर्शकों से अनुरोध होगा कृपया करके आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले को दिक्कत ना हो। तलारे जल पे हैदराबाद टीम मौका जरूर बना हुआ मेनखान क्या यहां पर क्या गोल होगा लेकिन इससे पहले गोलकीपर को बाधित करने के प्रयास में विसिल बज गई है मैच रेफरी का। जिस तरह से दोनों टीम के खिलाड़ियों को इस समय चीयर अप कर रहे हैं और जरूरी भी है मैच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शकों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हैदराबाद की टीम देखे एक अटैक बनाते हुए चीजों का देखे पास बहुत ही बढ़िया है मुंबई टाइगर की टीम ने अपने हाथ से बॉल को निकाल दिया। इस मैच में टेक्निक ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे दो टीम और कोशिश करेंगे कि पहले हाफ में स्कोर करें लेकिन देखिए यहाँ पर क्या फुर्ती दिखाया वहां पर खिलाड़ी ने गजब का वहां पर फुर्ती दिखाते हैं हेडर जरूर जीता था वहां पर चीजों ने
लेकिन गोलकीपर सरदार वहां तैयार थे। मेडिकल के लिए इशारा कर दिया गया है, फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधा है कृपया करके खिलाड़ी को मुहैया कराइए। स्प्रे तैयार रहो कताबुल पे मीटे खिलाड़ी शुरुआती समय लगी नसिया चोटी लिखना नेक्स्ट मैच एफसी कोलकाता वर्सेस एफसी केरला ब्लास्टर्स। नेक्स्ट मैच एफसी कोलकाता वर्सेस एफसी केरला ब्लास्टर्स। कृपया करके दोनों टीम के मैनेजर आप भी अपने प्लेयर को रेडी रखेंगे। जय हिंद क्लब पिटकासा का वहां मुकाबला में ये दूसरा खेल चलता हुआ फलकनुमा हैदराबाद वर्सेस एफसी मुंबई टाइगर्स कुछ ही क्षण बीत चुके हैं। दोनों ही टीम अभी 0-0 पॉइंट पर स्थिर है। देखना होगा क्वालिफाई करने के लिए कौन सा टीम अपना झंडा पहराते हैं और बहुत ही टेक्निक के साथ यहां पर दोनों ही खिलाड़ी खेलते हुए और इसका लुत्फ उठाते हुए हमारे ऑडियंस काफी उत्साहित। और बताते हैं चकमा लामा जर्सी नंबर 9 में हम लोग हैदराबाद टीम से देख रहे हैं, वो मणिपुर से हैं और मणिपुर स्टेट के ये एक बेस्ट प्लेयर ऑफ सीजन हम लोग कह सकते हैं, काफी फॉर्म में है ये प्लेयर। और ये खिलाड़ी चूंकि स्टेट के लिए आई लीग में भी खेल चुके हैं जर्सी नंबर 9 में चकमा लामा को हम लोग देख रहे हैं जो कि सेंटर स्ट्राइकर के पोजीशन में खेल रहे हैं, तो उसका किस तरह से हम लोग प्रदर्शन देखेंगे, जिस तरह से उस खिलाड़ी के खेल का इंतजार है। और मणिपुर टीम लगे मणिपुर राज लगे हैं गाते ही के ना और आई लीग पूरे हम लटू लटू मैचे गाते ही के ना 9 नंबर जर्सी रहे फरबुन ये ना हैदराबाद टीम से कोई। और इस तरह से बॉल आउट लाइन से बाहर जाता हुआ और थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ मुंबई टाइगर को, अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से थ्रो इन किए हैं, बॉल को वापस करना चाहा लेकिन डिफाइन शॉट और बॉल आउट लाइन से बाहर जाता हुआ। थ्रोइंग किए हैं लखनऊ हैदराबाद के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से राइट फ्रंट के खिलाड़ी बॉल को आगे लग बढ़ाने का प्रयास लेकिन बॉल आउट लाइन से बाहर। थ्रोइंग करने के लिए फील्ड मुंबई टाइगर को मिलता हुआ। एस्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स दोस हु आर फ्रॉम आउट ऑफ दिस कंट्री, पीपल आर सो ईगर टू सी योर गेम्स और योर टेक्निक्स, इफ यू प्ले वेल दैट मीन्स दे विल एंजॉय एंड यू हैव टू मेंटेन स्पेशली वाट एवर गोल यू हैव कीप इन योर माइंड and I have listened you have played in many places so according to your performance you have to show your techniques then I think you will be success in your goal and bahut acha mauka milta hua yahan par Hyderabad Pragnama ko abhi bhi apne sati khiladi ko dhoondne ka prayas lekin galat shot। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ लखनऊ के खिलाड़ी लेकिन मुंबई टाइगर कम नहीं अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास लेकिन बॉल गोलकीपर के हाथ में और हैदराबाद के
प्रयास बहुत ही अच्छा तरीका से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास। डी बॉक्स पर बॉल को झुकते हुए शॉट करने का मौका मिलता हुआ और यहाँ पर बॉल बॉल बैठा हुआ खतरनाक साबित हो सकता था खासकर मुंबई टाइगर के लिए। और जहां तक उस खेल के हिसाब से देखा जाता है कि बार बार अटैक करने का मौका मिलता हुआ हैदराबाद के प्लेयर्स अभी भी हैदराबाद शायद बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए और यहां पर पहला कॉर्नर मिलता हुआ हमारे हैदराबाद के प्लेयर्स को। देखना होगा यहां पर हैदराबाद के प्लेयर्स किस तरह से इस हाफ गोल को पूर्ण गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। बहुत अच्छा शॉट हेडर के माध्यम से हेड करना चाहा लेकिन बाल बाल बचता हुआ क्रॉस बार को छूता हुआ बॉल आउट लाइन से बाहर जाता हुआ यहां पर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था मुंबई टाइगर के लिए। बहुत अच्छा मौका मिलता हुआ बहुत ही शानदार शॉट हेडर के माध्यम से बॉल को गोल करना चाहा। यहाँ पर मैं उस खिलाड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ शायद नेक्स्ट टाइम ही विल बी सक्सेस इन हिज गोल। और यहाँ पर मुंबई टाइगर अपने साथी खिलाड़ी को बोल आगे बढ़ाने का प्रयास हेडर के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किए हैं। काफी खेल में परिवर्तन करना होगा अच्छा तरीका से गोल को आगे बढ़ाने का प्रयास लेकिन काफी जुझान पर काफी जुनून के साथ चलता हुआ हैदराबाद के खिलाड़ी। यहाँ पर डिफेंस कम नहीं बॉल को अपने कब्जे में लेफ्ट फुट को देने का प्रयास यहाँ पर दो खिलाड़ी आगे बढ़ने का प्रयास लेकिन बॉल मुंबई टाइगर के द्वारा आउट लाइन से बाहर यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ हैदराबाद के खिलाड़ी। और अड़ी मौज याती चला के रहा तभी अगर तो गेल था हमारे मुंबई टाइगर टीम से खोज टीम रन कैप्टन सत्यजीत शर्मा का नाम जबकि नमा टीम का भी जर्सी नंबर 10 रन कैप्टन अभी लगा छेदो विदेशी बार बताया और यहां के तुम तो डी मारिया था से अदो नहीं था लोगों खुद ही स्मार्ट डी मारिया ने टेबल बनाया गया तो से अर्जेंटीना रे मिनाया और दुनिया जितु बड़ी लंबा जितु कर दिया और उन्हें तो 10 नंबर जर्सी रहना होगा ना अब्दुल हसन और पर डी मारिया ये तो टेपर से मुंबई टाइगर टीम से कोई पादो सेंटर स्ट्राइकर रह गया नमा टीम रे अगर बोल यलखा कोने जैसे विदेशी मूल खिलाड़ी बना पर प्रवेश बनाया सलमान और हबीब और उत्पल और जगन्नाथ बनाया जर्सी नंबर 12 में। पहला कॉर्नर की क्रिया बहुत हैप्पी नाम के दादित्य मुंबई टाइगर टीम मुंबई टाइगर टीम दिया वहां पहला कॉर्नर किया हां तो फिट रहा सही पोजीशन में और जी हां इस तरह से मुंबई टाइगर की टीम की तरफ से यह पहला स्कोर होता हुआ जिस तरह से वहां पर बॉल का सही दिशा सिर्फ डायरेक्शन दिया वहां पर और इस किया गया था
अब देखना है प्लगनमा हैदराबाद की टीम क्या रणनीति बनाती है। रनिंग बैक ऑफ साइड का वहां इशारा हो गया है मैच रेफरी गयासुद्दीन मंडल जी। प्रत्येक साल गयासुद्दीन मंडल जी का बहुत अच्छा योगदान रहता है बतौर एक रेफरी के रूप में, लेकिन दोनों टीम अच्छा परफॉर्मेंस इस फर्स्ट हाफ के अंदर में। लगभग फर्स्ट हाफ का आधा समय, लगभग 14.5 मिनट के समय का यहां पर समापन हो चुका है और देखना है अब हैदराबाद की टीम की क्या रणनीति रहने वाला है। हैदराबाद रन 12 नंबर जैसी हरों का प्लेयर शाहरुख बनाए। गोलकीपर मुंबई टाइगर की तरफ से आकाश शर्मा, अच्छा गोलकीपर है। देखिए बॉल को जीत लिया है वहां पर हैदराबाद की टीम, मूसा नाम के ये विदेशी मूल के खिलाड़ी। हालांकि बॉल फिर से आया है शाहरुख अली के पास, तुरंत ही बॉल को पीछे की ओर बॉल को रिलीज कर दिया सलाम के लिए और सलाम मौज जाती। दर्शकों में भी जोश आ गया है, खिलाड़ियों में भी उत्साह आ गया है और पहले हाफ का खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चला गया है। 1-0 के बढ़त पर एक समय है मुंबई टाइगर की टीम। इससे पहले के मैच में डार्क स्पिरिट साहबगंज पुणे सिटी के बीच का मैच को हम लोग देख चुके हैं और यहां पर साहबगंज की टीम ने एक गोल से उस मैच को जीत लिया है। लेट चैलेंज किया गया है मुंबई टाइगर के प्लेयर के द्वारा, जिस तरह से वहां पर सलमान ने पीछे से खिलाड़ी को और फ्री किक लेने के लिए बहुत ही सुनहरा चांस है फलकनामा हैदराबाद की टीम। एक गोल से पीछे और शॉट लगाने के लिए तैयार है स्टार खिलाड़ी शहीदी और देखना है शहीदी का शॉट कितना असरदार होगा। बहुत ही सुंदर सही पोजीशन में आ गया था लेकिन मौका गवा दिया है वहां पर लेबोटो ने। लेबोटो जो तुम नहीं खिलाड़ी बाय हिटिंग नाम लगा बॉल विदेशी मूल रन खिलाड़ी लेबोटो अभी पहली बार यूनिक जीतू भी नजर देते हैं जाती। दोनों टीम आपस में जिस तरह से अभी तक बॉल में पकड़ बनाने के लिए दोनों टीम ने जिस तरह से मजबूती से एक दूसरे को टक्कर दिया है, देखना है आगे की ओर बॉल को बढ़ाया मूसा के लिए। यहाँ पर ऑन कर दिया है मूसा, अकेले थे 1-1 का वहां पर सिचुएशन था। गोलकीपर आकाश शर्मा ने किसी तरह से टीम को बचा लिया। गोलकीपर आकाश शर्मा अभी मौज रहा सही लाइन रहेगा, बोल रहा सही दिशा रहे और बोल रहा डायरेक्शन भी आपका जगह पर है क्या मूसा वाला जगह की ब्लॉक के थे आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला इंटरेस्टिंग बोर्ड पर यह मुकाबला हम लोग देख रहे हैं। देखिए मूसा फिर से बॉल से जीतने की कोशिश में लेकिन सलमान ने उनके मोमेंट को बिगाड़ दिया। जर्सी नंबर 9 पहने हुए चकमा लम्बा बार बार इस खिलाड़ी का चर्चा आ रहा है के पास वो हुनर है। मैंने पहले ही कहा कि आपने स्टेट के लिए ये खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन क्या कारनामा दिखाते हैं हैदराबाद जीत के लिए। और अब फ्री किक को जमाने के लिए शाहरुख अली टीम के कैप्टन, बहुत ही उम्मीद है इसके माध्यम से
हैं ताकि वो टीम इक्वल कर पाए, लेकिन क्या उस तरह के काम कर पाएंगे? ஞானபோன் சிலகனா சோட்ட லகாவதா டீம் ரேங்கர் சார் யா லகிச்சி யோகதானா கோல் கீப்பர் ஆகாஷ் சர்மா கா பஹுத் ஹி அச்சா சே அபி பி இஸ் மேட்ச் மே காஃபி சமய பச்சி இந்தி ஹை தரீரே தனோங்க தக்கே அது தான் ஃபிர பலாகனே சோ உங்க லகன் சோட்ட லகிச்சி போல சென்ட்ரல் கோய் இன்ன எடுக்குதா மோசி கிசவனி விதேசி மூர்ல பிளேயர் கரெக்ட் ஃபுல் பேக் கரெக்ட் और ये चीज आपको अच्छा लगेगा कि ये विदेशी मूल के खिलाड़ी बांग्ला भाषा को अच्छी तरह से वो समझते हैं, बोल पाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनका ज़्यादातर खिलाड़ी कोलकाता के क्षेत्र में, बहुत सारे खिलाड़ी उस क्षेत्र में वो आश्रय लेके रहते हैं और वो अच्छी तरह से बांग्ला भाषी से पूरी तरह से वो वाकिफ रहते हैं। सेकंड कॉर्नर की यानी कि अब मुंबई टीम को मिलने वाला ये पहला मौका, माफ कीजिएगा हैदराबाद की टीम को मिला था। फिर से जर्सी नंबर 17 पर उठा खिलाड़ी ऊपर को गेंद का नेहा टीम की गति करा चिको जी को बने खिलाड़ी और अगर 15 नंबर रन लेना है तो सलाम ये तो बड़ी हाफ रन खिलाड़ी लेबोटा वन लाइव रियल में लंबा शॉट अजीज राइट आउट के खिलाड़ी को ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक और कॉर्नर के लिए इशारा हो गया है, लखनऊ हैदराबाद को टीम को मिलने वाला यह दूसरा कॉर्नर इस फर्स्ट हाफ के अंदर में और इस मैच का तीसरा कॉर्नर भी और कॉर्नर किक में ही यहां पर मुंबई टीम ने 1-0 की बढ़त बनाई थी फर्स्ट हाफ में। अब देखना है हैदराबाद की टीम इस तरह की कॉर्नर से क्या उस तरीके का नतीजा निकाल पाएंगे। लेकिन हेडर जरूर लगा, लेबोटा का जरूर पर्याप्त था वहां पर। इससे गलती हुई वहां पर डी मारिया से इक्वलाइजर हो सकता है। सेकंड बॉल बना करके शॉट को लिया सही तरीके से टारगेट में नहीं लगा, सभी का प्रयास अच्छा था। चौथा कॉर्नर की इस बार मिला है और कप्तान से हैदराबाद की टीम इस मैच में मैच को इक्वल कर पाएंगे या नहीं, दर्शकों ने इसमें माहौल को बना दिया है। अब दोनों टीम के खिलाड़ियों का हौसला को बढ़ाते हुए जरूरी भी है और हमेशा मेरा मानना है दर्शक खिलाड़ियों के लिए 12वें प्लेयर का काम करते हैं। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरह से मेसी के चाहते मेसी के फैंस हर जगह पहुंच जाते थे और हर जगह स्टैंड में आपको मेसी ही मेसी जर्सी पहने हुए लोग नजर आते थे और उसी का नतीजा था कि मेसी अर्जेंटीना की टीम ने मेसी की अगुवाई में विश्व विजेता बने। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में जिस तरह से हर जगह आप येलो मरीन आपको ऐसा लगता था जब भी आप टेलीविजन से देखें या फिर कोई भी स्टेडियम में आईपीएल में और दर्शकों के उतने सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग होने की वजह से महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बने। तो मेरा मानना है कि दर्शकों का सपोर्ट खिलाड़ियों के लिए एनर्जी का काम करता है।
थोड़ा सा टीम के कैप्टन को थोड़ा सा चोट लगी थी सत्यजीत शर्मा जी को, और जिसका टच रही यह पहला गोल मिला था। विदेशी मुंबई खिलाड़ी असरदार पहन रहे हैं। मौसिक ने बॉल को पारपोस की दिशा में उछाला, लेकिन लपट हो गया। अच्छा रहता है और वहां पर ऑफसाइड का सही संकेत। इस मैच में मुंबई टाइगर की टीम 1-0 के बढ़त बनाए हुए हैं और फलकनुमा हैदराबाद की टीम गोल को वापसी करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। यह बोलने पोटा वा शॉट में सकती है मौज है यार। डिफेंस लाइन पर रिपोर्ट दी जाती है ना लेपोटा वा, हालांकि नारों में थे और ना कॉर्नर ठीक रहे बांग वीडियो ना जे गोल हो गया उसका ना सिचुएशन पैदा है बेल्फन गोल हुई ना आदमा ये थे हजारों की ऐसा हेवी टच में थे जरूरी नहीं था बॉल को सही जगह पर अगर शाहरुख बॉल को प्लेस करते तो मौका बना सकते थे गोल के लिए। सलमान ने कुछ खिलाड़ी दोनों हाथ से अगर टीम में कैप्टन सत्यजीत शर्मा इस तरह से टीम के लिए योगदान देते हैं, बहुत ही अच्छे टीम के कैप्टन हैं और शांत भाव से अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते रहते हैं। बेहतर एंगल फिर से एंथन गोल कीपर उन्होंने कोई ना कोई नहीं, लेकिन आकाश शर्मा बेहतरीन गोल कीपिंग रिया ने थवे नजारा है दू कदा नीचे कोई उनका जब भी बॉल पोजीशन रहे है कहते हैं बॉल गेंदरी गड़ी मौज दिखाया दुनिया हारुनिया सहयोग बदौलत की उनिया योगदान बदौलत की नहीं थवी हो मुंबई टीम इना में दबा रहा मौज को आती है लेकिन
जर्सी नंबर 7। म्यूजिक बंद कर दीजिए। लाल कार्ड मिलेगा 20 सेकंड बाद। और येलो कार्ड भी दिखाया गया, क्योंकि जिस तरह से सेलिब्रेट के समय में, खुशी मनाने के समय में अपना जर्सी खोल दिए, और जहीदी का ये गोल एक एक की बराबरी पर, और उसने लोगों को दिखाया कि जर्सी नंबर 7 खेल के जगत में क्यों इतना विख्यात है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर, वो भी जर्सी नंबर 7 ही पसंद करते हैं, लकी नंबर मानते हैं, वो भी जर्सी नंबर 7 को लकी नंबर मानते हैं। और जहीदी ने जिस तरह से गोल दागा, और 1 मिनट एडेड टाइम इस मैच में जोड़ दिया गया है ऑफिशियल रेफरी के द्वारा। 1 मिनट का समय इस फर्स्ट हाफ के अंदर, और फलकनामा हैदराबाद 1 मुंबई टाइगर 1। लेकिन डेनिस का मजा आ गया इस तरह से रिटर्निंग गोल आ गया। वाकई कबीले तारीख जर्सी नंबर 7 हैदराबाद हैदराबाद जिस तरह से इसने गोल डाला, हमारे दर्शकों का जो है मन को जो है काफी खुश थी। और जहां तक लग रहा हैदराबाद का इतिहास को देखा जाए काफी जुझारू जुनून के साथ अपनी वापसी किए हैं। इस वापसी में देखा जाए तो फलकनुमा हैदराबाद का तारीख कम नहीं, और इस तरह से टीम अपनी हीट करने का मौका मिलता हुआ हैदराबाद। और यहाँ पर शायद खिलाड़ी के साथ और एम्पायर खिलाड़ी के साथ कुछ बकझक होने के नाते कुछ डिस्टर्ब हुआ है गेम, या कुछ खिलाड़ी का चोट हुआ है उसके कारण जो है यहाँ पर कुछ क्षण के लिए खेल रुका हुआ। रिहीट करने का मौका फलकनुमा हैदराबाद को, अभी अभी अपनी वापसी किए हैं, और शायद यहां पर गलत से अटैक करने का प्रयास, रिहीट करने का मौका मिलता हुआ मुंबई टाइगर को। स्पेशली दोस्त वार फ्रॉम ऑफ दिस कंट्री, प्लीज लिसन टू एम्पायर, वॉट एवर डायरेक्शन ही इज गिविंग जस्ट लिसन टू हिम। और इस तरह से फर्स्ट हाफ का खेल समाप्त होता हुआ, और दोनों ही प्लेयर दोनों ही टीम बराबरी पर है। देखना होगा सेकंड हाफ के बाद अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। हेलो डांस प्रो बीच में, और दोनों तरफ से एक गोल हुआ है, यानी इस मुकाबले का जो स्कोर लाइन है फलकनुमा हैदराबाद 1 एफसी मुंबई टाइगर 1, यानी 1-1 की बराबरी में। इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर
तो आपको बता रहे थे इस मैच का स्कोर लाइन एफसी मुंबई टाइगर की तरफ से सत्यजीत ने गोल मारा जबकि रिटर्निंग गोल बहुत ही दर्शनीय रहा जाहिद का शानदार गोल के दर्शनी गोल और पोस्ट के इतना किनारे में इन्होंने गोल किया था यानी गोलकीपर के पास इनका कोई जवाब ही नहीं था और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त मैच इस मुकाबले के बाद आप देख पाएंगे एफसी कलकत्ता वर्सेस एफसी केरला ब्लास्टर के बीच में दोनों टीम्स के प्रबंधक अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है तो पहले रिपोर्ट कीजिए कमेटी के पास मुंबई टाइगर और फलकनामा हैदराबाद चला है मिमी गोटे को थोड़ा गान ससान यानी अटी बाले हरियो और हेने पैंटर को नेला को नुकान गया को प्रेम बांच तंगा एफसी मुंबई टाइगर और जहां का बुनिया को सुमान के सुमान मैनेजमेंट सुना सुमान पैंटर है नुकु दो केतम लेवे हैदराबाद का जगह इन कुटुंगा लेवे नहीं मतलब पहले गोल लेना ओना तो गोल लेना मुंबई से फोन सत्यजीत जो तो बनी खिलाड़ी गोल लगा और इसके बाद रिटर्निंग गोल सात नंबर जैसी और का खिलाड़ी चाहिए गोल गोल का तो दूसरा हाफ में खेल हो और ढेर घड़ी वांग हुई ना दूसरा हाफ रे लगभग मुझे मुझे कह रहा तीन खो चार मिनट ना मैच हुई ना और यहाँ पर अब हैदराबाद के पास दो मैच और इसी तरह से आज दिन भर यहाँ फुटबॉल का महासंग्राम जारी रहेगा मात्र ये दूसरा मुकाबले और दूसरे मुकाबले के यहाँ पर मुझे लगता है ये 35वां मिनट में ये गोल होगा मेरे ख्याल से 2-1 की बढ़त एक बार फिर से ले ली है एफसी मुंबई टाइगर के पास पहला बढ़त था जबकि यहाँ पर जाकिर ने गोल किया अपनी टीम की तरफ से और फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने बराबरी दिलवा दिया और उसके बाद और एक गोल फलकनामा हैदराबाद की तरफ से और जब जब भी गोल हुआ है तब तक दर्शकों में जो खामोशी रहता है वो सन्नाटा बिल्कुल फिर से एक बार उत्साहित के रूप में बदलता है वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं जब जब भी गोल हुआ है और
यहाँ एक टीम की तरफ से ही नहीं, दोनों टीम्स की तरफ से यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसीलिए ऑडियंस से कहा जा रहा है थोड़ा पैनम लेकर दूर घूम बैठे गया नको एक दिन बाकू समा उनका थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है उन्हें दया पेड़ ने और थोड़ा कम टाइम या दूर कबून पे इन्हें खाए बाजार आजान बोतल बांध खाने जब आपको कॉल किया जाएगा तभी आपको जाना है और नहीं तो बिल्कुल आराम करना है आपको। निमित्ता और सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन से खेल रहे चकमा लंबा ने बहुत ही शानदार गोल किया और दो एक की बढ़त अपनी टीम के लिए। बहुत ही जबरदस्त ये गोल, एक बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा अगर इनकी टीम इसके गोल के बदौलत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है इसकी टीम तो अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ होना भी बाकी, 30-30 का फॉर्मेट है तो इस हाफ में भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 8-10 मिनट ही बीता होगा, वापसी करने का भी पूरे पूरे 20 मिनट का वक्त होगा। एफसी मुंबई टाइगर के पास अगला मैच के लिए अगर अभी तक आप दोनों टीम्स का रिपोर्टिंग नहीं हुआ है ऑडियंस को बता दें। और इस सीजन में अभी तक मात्र यह दूसरा मुकाबला अभी प्रगति पर और 4 मैदानी गोल हो चुका है। सिर्फ इस मुकाबले में 3 मैदानी गोल विकास और हैदराबाद की तरफ से लामा का शानदार गोल के बदौलत 2-1 की बढ़त अभी भी काबिज इस मुकाबले में।
और यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से जो विदेशी मूल के खिलाड़ी हैं वो बहुत ही खतरनाक रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी मेहनत का प्रयास वो कर रहे हैं और उनकी टीम अगले राउंड में लगातार क्वालिफाई करें। देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले में एफसी मुंबई टाइगर क्या यहाँ पर वापसी करेगी। ऑडियंस को बता दें चाटा का तार लगा हुआ है और संभल के आइए और बाहर भी संभल के निकलिए क्योंकि अभी तक दो ऑडियंस इंजर्ड हो चुके हैं और वह भी गंभीर, एक को गाल में लगी है और एक को आंख का जो आईब्रो होता है ठीक आसपास में। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो तार का जो बार लगा हुआ है वो आप ध्यान से बाहर जाइए फिर ध्यान से अंदर आइए या फिर जहाँ एंट्री गेट है वहीं से ही अंदर आइए और वहीं से बाहर जाइए। जो तो नील पेड़ा बोटे ने और का तार में ना जन्म लगा बिना मारा तो बढ़िया नील पेड़ा ने फिर उनकी ना मिट्टा जोहा भूगे ना मिट्टे मैं चितान भूगे दया तो थोड़ा नील कहते बोलो तब पे उठू का तुम पे से आलू पे ठेका क्योंकि खिलाड़ी जैसे बाहर से खास करके विदेशी मूल के खिलाड़ी यहाँ इस ग्राउंड पर आए हैं तो कम से कम दर्शकों का डिमांड रहता है कि गोल होते हुए देखे और इस चीज को बाखूबी फिलहाल यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी आ जाए तो शुरुआती टीम से अभी तक के खिलाड़ी इस चीज को बाखूबी इस भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल और सही बात है, खिलाड़ी का प्रदर्शन जितना ऑडियंस देखना चाहते हैं उससे मुझे ज्यादा वो गोल को देखने के लिए अभिलाषित होते हैं और गोल देखना वो ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छी बात रही है इस मुकाबले के लिए ऑडियंस के लिए अभी तक तीन मैदान गोल लामा के लिए यहाँ पर जय लगाया था और उन्होंने जीत लिया है एक तिने के नाम रिटर्निंग गोल और अपना बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर लामा को ऑडियंस का सहारा लेना पड़ा क्योंकि अगर आप इन नजदीक में बैठे हैं तो मेरे ख्याल से अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। बिल्कुल अधिकार यहाँ तो शुरुआती क्षण से ही कहा गया कि आप अपने और अपने सामान को सुरक्षा शुद्ध करें खुद करें क्योंकि जिस प्रकार से लंबे तक काठी के चौड़े के यहाँ खिलाड़ी है वो भी खास करके विदेशी मुद्दे तो उनका एक पैर अगर हमारे देशी के ऊपर पड़ता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आप कृपया अपने पैरों का और यहां से देखना होगा जिस प्रकार तेज रफ्तार के साथ गोल को लेकर आगे की ओर बढ़ेगी लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहां पर ये तीन नंबर के जो डिफेंडर है तो वाकई में राजेंद्र जिस प्रकार से लोगों को आकांक्षा थी जिस प्रकार से लोगों को विश्वास था कि इस ग्राउंड पर कहीं ना कहीं और वाकई में जब से यहाँ खेल हो रही कम से कम मैं 5-6 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ से वो काम मिल सकता है अच्छा
अपने यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। और इससे यही एक ग्राउंड है जहाँ की ज्यादा से ज्यादा आप नाइजीरियन को देख पाएंगे, विदेशी मूल के खिलाड़ी को, और लोग इसी खिलाड़ी को देखने के लिए कहीं ना कहीं दूर दराज से चलते रहते हैं। और फिलहाल आज उस चीज को बाखूबी यहाँ दोनों टीमों के खिलाड़ी अच्छे अपना 100% देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जो फॉर्मेट है थोड़ा सा धीमा चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 45-45 का हो रहा है, लेकिन 30-30 का है। और जब जब भी विदेशी मूल के खिलाड़ी आते हैं तो थोड़ा सा तेज शॉट भी देखने को मिलता है, तेज खेल भी देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा घुमा चल रहा है गति है खिलाड़ियों में। और मुझे लग रहा है कि जितना प्लेस होना चाहिए था ग्राउंड का थोड़ा सा कम है तो बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा धीमा, लेकिन गोल अच्छा हुआ आज जिस तरह से श्रृंखला का ओपनिंग मैच हुआ उसमें मात्र एक गोल तो दूसरा में तीन हुआ है। और मैं बोल रहा था कि वापसी करने का पूरा समय है अभी भी एफसी मुंबई टाइगर के पास। फर्स्ट एड की टीम जो प्राथमिक उपचार का पेन रिलीफ स्प्रे और डिटोल पट्टी जिस किसी के पास भी है, अब देखिएगा जब आपको बुलाया जाएगा ग्राउंड के अंदर से तभी आपको अंदर जाना है। तो अभी भी बहुत समय है। लामा ने कमाल किया है, जिस खिलाड़ी के पीठ के पीछे में 9 आप देख पा रहे हैं, 9 लिखा है, ये कमाल का खेल खेलते हैं कद इसका मजला, लेकिन जबरदस्त खेल। और इसका जब बहुत वाली गोल आपने देखा था तो बिल्कुल आप दंग रह गए होंगे। और मुझे लगता है मजे की बात होगा यहाँ पर, इतने सारे खिलाड़ी अच्छे से तो वो खेल ही रहे हैं लेकिन साथ में विदेशी खिलाड़ी, और उसके लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है एफसी मुंबई टाइगर के लिए। मात्र एक गोल अगर वापसी कर ले तो ये 2-2 का बना दूंगा। आपको क्या लगता है यहाँ वापसी होगा या फिर? और बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से यहाँ बॉम्बे की टीम ने रिटेन गोल दागी थी वो भी लाजवाब था। शायद जाहिद नाम के खिलाड़ी थे जो 7 नंबर जर्सी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये उनका कहाँ कहीं ना कहीं ये जर्सी नंबर बहुत ही लकी होता है। और देखिए पूरा एक बार उस बॉल के पीछे भाग रहे थे लेकिन अंततः वो बॉल चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑफ साइड का गोल आ चुका था। और वाकई में यहाँ पर भरपूर प्रयास करना होगा यहाँ पर मुंबई की टीम को, क्योंकि अगर टूर्नामेंट पर बने रहना है, मैच पर बने रहना है, तो आपको हर हाल में गोल रिटर्न चाहिए, मैच को इक्वलाइजर करना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होना है वो है एफसी कलकत्ता वर्सेस एफसी केरला ब्लास्टर्स के बीच में। तो मैं दोनों ही टीम के टीम प्रबंधक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्द हो सके आप यहां से प्लेयर लिस्ट का फॉर्मेट लेकर जाएं और अपने खिलाड़ी को तैयार करके सीधे डगआउट की ओर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ही इनका खेल खत्म हो जाएगी आज दिन का तीसरा यहां से मौका बन सकता है, लेकिन सुरक्षित जाने लेकिन फिलहाल खतरा बरकरार है। और राजेंद्र देखना होगा क्या यहां से गोल आएगा, के डेट बना में था तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को आगे बढ़ाते हैं, गोल एरिया में जाने के बाद वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उनका कहना है कि मैं सोलिड गोल करूं सब तरह, लेकिन ऐसा संभव नहीं। मुझे लगता है ये 3-1 का अगर बढ़त हो जाता तो ये बहुत ही मजबूत पकड़ होता इस मुकाबले में। फलक नमा हैदराबाद का, लेकिन 2-1 है तो अभी भी आप इसे ज्यादा नहीं मान सकते हैं। हमारे जो बाउंसर हैं वो एक बार अलर्ट हो जाएंगे, जो पश्चिमी और उत्तरी कॉर्नर में यहाँ से ऑडियंस एक बार फिर से वो अनावश्यक रूप से वहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ अभी से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाएगा ताकि बाद में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो मैच में या फिर टूर्नामेंट के संचालन करने में। इसीलिए आप लोग अभी से अलर्ट रहेंगे और वहाँ और जितने भी ऑडियंस है उससे आप एडवाइस दीजिए कि वो जो दूसरा लकीर बना हुआ है उसको क्रॉस ना करें, उसका भी अच्छा रहेगा और बैच को कराने में भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल हाँ आता रखना नुआ का लेले भाषो नहीं का नार नुआ मंच पे नेले कन में है ना ओना फाइल लेगा रखा तो वो यहां दुरुद बोल पे ताइनम फाइल को चपात पिया और रमी बच्चर मीट के कुड़ी की तरह को चपात भूगल दिया ना इतना पे दुरुद पे और बांखा है ताइनम जो फाइल को दम पे जहां की तिंगू का तो पे ना ताइनम वो दम पे मंच को लिंगा तीन खाती ना अपना पेड़ दूर तुम पे और बांखा तैन तीन तुम पे और नवा तो गोगो चुना तो लेके जाएगा क्या और गप्पा से दपा से बुझे क्या तीन तीन तो ठीक है बाको गान खाए तो अब बाबा जो ना को तीन घड़ी तो और गप्पा से तो नलो हुआ
और नियम का खिलेट बनला एफ सी केरला ब्लास्टर और एफ सी कलकत्ता तला रहे। अरे भाई यहाँ भीड़ नहीं लगाना बोल रहे और यहाँ कुर्सी लेकर के उधर का आगे जाना जी। और एक दो दो बॉल ग्राउंड में है और कमिटी के कोई मेंबर उसको आप कलेक्ट कर लीजिए बॉल को, ऑडियंस को नहीं दे दीजिएगा नहीं तो फिर रख लेंगे। जहां यहाँ पेड़ा पहन दो मीटा बॉल उठूगा तो रहते लहाय में साउंड सिस्टम का ऑपरेटर आपको कॉर्डलेस दिया गया है बैटरी रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अभी तक आप अपने पास रखे हुए हैं। यहाँ दो से तीन कॉर्डलेस यहाँ आप लोग उपलब्ध कराएंगे। कॉर्डलेस टाइम तड़ाड़ी अपना दिए दें মাত্র একটা কর্ডলেস আছে একটাতে আমরা কাজ চলে আসি এই যে কিনা একটা হ্যালো হ্যালো আর इस मुकाबले का स्कोर लाइन और थोड़ा सा विश्लेषण करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रिंकू सर से बांग्ला में, ये हिंदी के साथ साथ बांग्ला के भी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। हेलो तो रिंकू सर हेलो हेलो और अनेक अनेक धन्यवाद राजेंद्र बाबू अपना। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দলের মাঠের মধ্যে কি সুন্দরভাবে পরিষ্কারভাবে ম্যাচটাকে খেলতে চলেছে, কিন্তু একটা দল হচ্ছে বোম্বাই টাইগার আর একটা দল হচ্ছে এখানে ফলকনামা হায়দ্রাবাদ। দুই দলের মধ্যে খুবই সুন্দরভাবে ম্যাচটাকে খেলার চেষ্টা করেছেন দুটাই টিম, কিন্তু কিন্তু এখানে দেখতে হবে কি ফলকনামা হায়দ্রাবাদ গোলের অন্তরালে কিছুক্ষণ পাচ্ছি আছে আর বোম্বাই যে সরি এখানে হায়দ্রাবাদ দুই একটাকে আগে আছে, কিন্তু এখানে দেখতে হবে আবার হায়দ্রাবাদের কাছে আবার এগারো নম্বর কাছে কিন্তু দেখলাম গোল কিপার একটি সুন্দর গোল আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের অফিসিয়াল রেফারি সংকেত আসছে কি এখান থেকে দু মিনিট এডিট টাইম দেওয়া গেছে, কিন্তু দেখতে হবে এই দু মিনিট এডিট টাইমে কি এখানে বোম্বে সিটি টিম গোলটাকে ফিরত করে আবার ম্যাচে একটা ইকোয়ালাইজ করতে পারছে কি পারে না, কিন্তু সেই এগারো নম্বর খেলাটিতেই সুন্দর ফার্স্ট টাইমে নিজের থেকে একটা বল শুট নিয়েছিল কিন্তু সেখানে অফসাইড হয়ে যায়। রাজেন্দ্র এগারো নম্বর খেলে একবারে বলা যায় তো একবার সানি খুবই সুন্দর খেলাড়ি बिल्कुल गोलकीपर जो है यहाँ पर मुंबई टीम का बिल्कुल वो एक आकाश शर्मा बिल्कुल एक मूक दर्शक तक खड़े रह गए और इतना शानदार प्लेसमेंट आप देख सकते हैं उन्होंने सेकंड पोस्ट के बॉटम कॉर्नर में, मुझे लगता है अभी तक का ये बहुत ही शानदार गोल था। मुझे लगता है अब इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गई है और ये एडिट टाइम का ये मुकाबला चल रहा है तो समझ सकते हैं तीन एक की बढ़त दो एक होता तो मैं बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में मैंने देखा है लास्ट मिनट में मैंने रिटर्निंग गोल होते देखा वो भी फाइनल जैसे मैच में, लेकिन मुझे लगता है तीन एक है तो थोड़ा सा मुश्किल। और सनी ने कितना शानदार गोल किया यहाँ पर सेकंड पोस्ट में और क्या अनुमान था उनका लाजवाब गोल हैदराबाद तीन एफसी मुंबई टाइगर एक इस मुकाबले का स्कोर लाइन और मुझे लगता है सिर्फ नियम को पूरा किया जा रहा है इस मुकाबले में। थैंक यू सर। और बिल्कुल राजेंद्र बाबू वहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई लगा लोगों के यहाँ देखा जाए का तीन तीन गो इंडियन के प्लेयर बनी, लेकिन जय 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 टीम में जा कहा जाए तो पूरा के
के पूरा विदेशी उनके खिलाड़ी बने, लेकिन उनका उन्हें से कोनो गोल आया अभी तक देखने के लिए, लेकिन हमारे इंडियन प्लेयर कहल जाते को सनी शाहिद और लामा ये तीन तीन को प्लेयर बहुत ही कमाल खेले बा। तो राजेंद्र बाबू तो हमारा के कहा लगा था कि एडिट टाइम तो बिल्कुल खत्म हो चुके बा, और बाद देखा जाए क्या नतीजा आता था ये सेकंड हाफ के खेल में। और सबसे अच्छी बात विदेशी खिलाड़ियों का भरमार दोनों टीम्स की तरफ से, लेकिन चारों गोल भारतीय खिलाड़ियों के नाम। और सबसे तो खुशी की बात यह कि हमारे एक साहेबगंज की टीम भी एक दमदार प्रस्तुति दी है शुरुआती मैच में, और उनके ओर से भी चंद्रे जैसा एक खिलाड़ी सुंदर गोल करके कहीं ना कहीं टीम को क्वार्टर के लिए सुरक्षित कर पाए। ये बिल्कुल इस प्रकार मैंने देखे तो सत्यजीत ने पहला गोल किया, उसके बाद जो रिटर्निंग गोल आया जाहिदी का हैदराबाद की तरफ से, फिर दूसरा गोल आया उन्हीं की टीम की ओर से चकमा लामा का, और 3-0 की बहुत बढ़त वाले गोल सनी ने किया। बिल्कुल राजेंद्र सही बात है कि और देखिए पुनः एक बार वो 7 नंबर जाहिदी के पास बॉल है, जब जब जाहिदी के पास बॉल जाता है तो कहीं ना कहीं दर्शकों के अंदर एक अलग सा उत्साह जग जाती है, कहीं ना कहीं इन्हें लगने लगता है कि पुनः एक बार और गोल आएगा, और यहाँ कोशिश करनी होगी भरपूर यहाँ पटनामा। और इसी के साथ ये मैच का और ये फुल टाइम उसी बचता हुआ क्योंकि भरे पूरा का दो।